नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माय नेम इज सनी वर्मा और मेरे साथ आज आप डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स है फरवरी फर्स्ट वीक के, तो आपने होना है कनेक्ट मेरे साथ जल्दी से। दीपांशु पूछ रहे हैं कोई है। हाँ जी, मैं हूँ, आप हैं। जबरदस्त, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए प्लीज़। मुझे लग रहा है कि वेट करना पड़ेगा। नहीं, वेट नहीं करना पड़ेगा, एस्पिरेंट्स आर हेयर। अरे जबरदस्त, जय हिंद बच्चों। दीपांशु, प्रत्युष, अंश, जय, निरंजन, उत्कर्ष, अनूप, अरे बढ़िया, मज़ा आ गया, आप लोग आ गए हैं। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, अ वेरी गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज का एक स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव ऑफर है। अभी कुछ ही घंटे रह गए हैं उसके लिए। आज क्या किया है, अन अकेडमी के ऊपर आपको, अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं ना, 3 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आपको 1 मंथ SSB सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। दिस इज टुडेज ऑफर, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है SSB। और आप जान रहे हैं कि अभी जैसे फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल, उसके बाद 45 दिन का वेट और फिर आपको कॉल आने स्टार्ट होंगे, जिसके लिए आपको फिर एंड टाइम पे होता ना कि SSB के लिए क्या करें क्या करें। दिस इज़ द हाई टाइम, क्योंकि अभी आपको ये सारी चीज़ें जाननी है। आपको SSB भी साथ साथ और 3 मंथ्स का रिविजन भी आपका इसी में कवर हो जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन का, ठीक है जी। चले जी, तो 10% डिस्काउंट के लिए, तो आप सभी को मालूम है कि 10% डिस्काउंट कैसे मिलेगा। आपको रेफरल कोड यूज़ करना है टीम अर्पित, कैपिटल लेटर्स विदाउट स्पेस रहेगा ये, ठीक है जी। चले जी, ठीक है, कंसीडर जरूर करेंगे। एंड नाउ टुडेज करंट अफेयर्स। अरे अरे, चले जी, मैं इसको पहले फुल स्क्रीन कर दूं। फर्स्ट फरवरी फर्स्ट वीक, ठीक है, जबरदस्त हो गए। चले, विच स्टेट हैज़ फ्रेम्ड अ ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन रिकग्नाइजिंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को समझते हुए और सीनियर सिटीजन को एक प्रॉपर हेल्थ सेक्टर शेबल है, जो कि नॉन जस्टिसिएबल है। देखिए, क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर देता हूं, आई थिंक जो कनेक्शन चला गया था। यहां पर क्या है कि विच स्टेट हैज फ्रेम्ड अ ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन रिकग्नाइजिंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जो एज कैप आ रहा है उसमें ओल्ड एज को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आर्टिकल 41 के अकॉर्डिंगली, जो कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर एंड ओल्ड एज के अंदर गवर्नमेंट ही आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। तो इनमें से किस स्टेट ने एक पॉलिसी को ड्राफ्ट किया है सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली? द राइट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी ड्राफ्ट करी है जिसके अंदर आर्टिकल 41 को एक्नॉलेज करते हुए जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसके चलते जो भी प्रॉब्लम्स स्टेट के अंदर फेस कर रहे हैं वहां के ओल्डर एज, उनको प्रोवाइड किया जाएगा वर्क, एजुकेशन, मतलब ये सभी चीजें सिक्योर की जाती है आर्टिकल 41 में ऐसा लिखा है, क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसेबलमेंट के अंदर, सिकनेस के अंदर, ओल्ड एज के अंदर एंड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। चले, इंडिया एडॉप्टेड द डिजिटल वर्क प्लान 2022। डिजिटल वर्क प्लान 2022 विद विच ब्लॉक, किस ब्लॉक के साथ, कोई ट्रेडिंग ब्लॉक होता है ना, जैसे इसमें हमारे पास है सार्क है, एशियन है, G20 है, या फिर यूरोपियन कमीशन, तो किसके साथ मिल करके इंडिया ने डिजिटल वर्क प्लान 2022 बनाया है अभी तो, हाँ मतलब एडॉप्ट किया है। एनीवन, एक बार स्माइल कर दूं। मैं स्माइल नहीं करता, हमारी है लाफ्टर बढ़िया ली। चले जी, बताइए, माय डियर फ्रेंड्स, किसके साथ मिलकर, सार्क के साथ मिलकर के, नहीं, इंडिया ने डिजिटल वर्क प्लान अडॉप्ट किया है फॉर द 2022 विद द एशियन ब्लॉक, राइट, एशियन ब्लॉक, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और ये वर्क प्लान जो है, ये एक तो इंटरनेट जो वाईफाई चोरी हो जाता है या फिर नहीं मिलता है पब्लिक यूज के लिए,
सस्ता नहीं मिलता है, मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मोबाइल हैंडसेट जो चोरी हो जाते हैं या जो एक सेपरेट ही बिजनेस चल रहा है फॉर्जरी का या जो स्नैचिंग का, चोरी का सामान इधर उधर बेचना, तो एक तो उसको रोकने के लिए, इंटरनेट को अफोर्डेबल रेट्स पर प्रोवाइड करने के लिए, और साथ ही साथ बंदों को ये भी बताना है, उस कंट्री के लोगों को ये भी बताना है, सिटीजन को ये भी बताना है कि क्या इम्पोर्टेंस है इंटरनेट की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, 5G और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सभी के ऊपर किस तरीके से जुड़ सकते हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, आप नई चीज़ों को सीख सकते हैं और सोशल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए कोई भी इनिशिएटिव ला सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, विच कंट्री लॉन्च्ड द हवासोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये हवासोंग 12 या हवासोंग, ठीक है, 12 हवा नहीं है, हवासोंग 12 किस कंट्री की बैलिस्टिक मिसाइल है, चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, एनीवन मालूम है किसी को हवासोंग के बारे में, जल्दी से बताइए, हैं, और आप क्लास छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं भाई साहब, करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट, 10 क्वेश्चंस आते हैं उसके, मत करो ऐसे। साउथ कोरिया नहीं जी, नॉर्थ कोरिया है इसका आंसर, नॉर्थ कोरिया की एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि मिड रेंज हवासोंग इसका नाम है। जापान एंड साउथ कोरिया डिटेक्टेड द लॉन्च ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब दोनों की हालत ख़राब हो गई है, इंटरकॉन्टिनेंटल या इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि नॉर्थ कोरिया ने अभी टेस्ट की है, ठीक है, 7th वेपन है इसका जो इसने इसी मंथ किया है टेस्ट है। तो एक जो जियो पॉलिटिक्स होती है या सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है नेबर्स के अंदर, वो तो बिल्कुल है कि फिक्र तो होगी साउथ कोरिया को और जापान को, क्योंकि बंदे का क्या है, किम जोंग उन, खटाक खटाक दो पैक, अब फिर जो मन में है फिर वो करना है, बटन दबा दिया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क इन विच स्टेट, जियो पार्क क्या होता है, जियो पार्क पहले तो देखिए कि आंसर है मध्य प्रदेश, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक जियो पार्क बनाने का अप्रूवल मिला है, और ये जियो पार्क सस्टेनेबल यूज से चलेगा, इट मींस जो जो आपकी जियोलॉजिकल हेरिटेज है, जियोलॉजिकल हेरिटेज इट मींस जैसे कि आपके गार्डन्स हैं, सस्टेनेबल यूज करना है उनका, ट्रीज वगैरह कट नहीं करने बल्कि प्लांट करने, कुछ भी आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उससे वहां पर फॉरेस्ट कवर कम नहीं करना है। तो एक जियोलॉजिकल पार्क है, इज यूनिफाइड एरिया विच एम्स टू प्रोटेक्ट द जियोलॉजिकल हेरिटेज इन द सस्टेनेबल वे, और जियो पार्क बनाया नहीं जाता है बल्कि उसको मेंटेन किया जाता है जो ऑलरेडी एक फॉरेस्ट कवर है हमारे पास। बच्चे क्लास का टाइमिंग क्लियर कर दूं, मेरी टाइमिंग इस टाइम इवनिंग में होगी, अब यहाँ पर अर्पित सर के चैनल पर 6 बजे मैक्सिमम, ठीक है, और 6:15 भी हो सकता है टाइम, मतलब लगभग इस टाइम पर 6:15, ठीक है, और सुबह मेरी होती है SSB गाइड डिफेंस एकेडमी चैनल पर, वो होती है बच्चे हमारी, मेरी क्लास 9:15 पर ऑल्टरनेट डेज, जैसे कि कल हुई थी अब कल होगी, ठीक है। चल, तो जियो पार्क इज यूनिफाइड एरिया जहाँ पर सस्टेनेबल तरीके से जो फॉरेस्ट कवर है उसको मेंटेन किया जाता है। तो सेवरल डायनासोर फॉसिल हैव बीन फाउंड इन द नर्मदा वैली इन द भेड़ाघाट लामते एरिया जबलपुर के आसपास, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि प्लेयोजिक पीरियड के अंदर आंध्रा, ये अपना राजस्थान जो है वो एक कोस्टल एरिया हुआ करता था जब ये था गोंडवाना लैंड के पास, तो यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स और उसी के साथ साथ डायनासोर रिमेन्स भी मिलते हैं, और यहाँ पर भेड़ाघाट लामेता जो घाट है जबलपुर में वहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स भी मिले हैं डायनासोर्स के, तो जियो हेरिटेज लिस्ट करना है, यहाँ पर मेंटेन करना है, फॉसिल्स मिलते हैं, कोई फॉरेस्ट कवर जो है उसको क्लियर नहीं करना है, जो भी प्रोजेक्ट आप चल रहा है वो एक सस्टेनेबल तरीके से चलना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। जियो हेरिटेज का यहाँ पर अगेन मतलब मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको कि
जो टाइम स्केल होता है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसके रिमेन्स जहाँ जहाँ मिलते रहते हैं एक्सकवेशन से, अनर्थन करने से, तो उनको मेंटेन करके भी रखना है। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पूरा अप्रूवल मिला है। विच वैक्सीन मैन्युफैक्चरर रिसीव्ड अप्रूवल टू कंडक्ट फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल ऑफ एन इंट्रानेजल बूस्टर डोज। भाई साहब, बूस्टर डोज जो कि आप नेजल के थ्रू जिसको दिया जाएगा, उसका थर्ड ट्रायल कौन सी कंपनी कर रही है? सीरम क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 चालू है, ठीक है जी, चलिए। कोवैक्सीन, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई थी, चलिए। ब्लडी संडे इज अ कमेमोरेटिव इवेंट मार्क्ड बाय विच कंट्री, किस कंट्री के अंदर ये ब्लडी संडे, ब्लडी संडे है ना, हाँ ब्लडी संडे, नहीं भैया संडे ब्लडी देखो हमारे लिए, कुछ नहीं कुछ नहीं। ब्लडी संडे इज अ कमेमोरेटिव इवेंट मार्क्ड बाय विच कंट्री, यूएसए, आयरलैंड, जर्मनी, इटली। द राइट आंसर इज आयरलैंड। 50 इयर्स हो गए हैं ब्लडी संडे हुए, और ब्रिटिश सोल्जर्स ने ओपन फायर किया था प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जो कि 14 जिसके अंदर लोग मर गए थे। आयरिश प्राइम मिनिस्टर माइकल मार्टिन आल्सो ट्वीटेड दैट कंट्री इज पेइंग ट्रिब्यूट टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। चले चले जी। विच इंडियन स्टेट यूटी गॉट इट्स फर्स्ट एवर गुड फ्राइट ट्रेन कनेक्टिविटी पोस्ट इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के बाद अब पहली कनेक्टिविटी मिली है किस स्टेट और यूटी को, जो कि मालगाड़ी की है? हाँ जी, गोवा, मणिपुर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। और मणिपुर को फ्राइट जो होता है ना, फ्राइट कॉरिडोर्स या मालगाड़ी जब वहाँ पहुँचेगी डायरेक्टली, तो पहली कनेक्टिविटी अब मिली है देखो मणिपुर को। मणिपुर गॉट इट्स फर्स्ट एवर गुड फ्राइट ट्रेन कनेक्टिविटी पोस्ट इंडिपेंडेंस। फर्स्ट फ्राइट ट्रेन अराइव्ड एट द रानी गेदिनलियू स्टेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर इज द राइट आंसर, ठीक है। मणिपुर कहाँ है? नागालैंड और मिजोरम के बीच में, ठीक है। और जो मणिपुर हिल्स है, गारी खासी जनतिया से सेपरेट होती है बरेल रेंज से, बरेल रेंज से, यस, लव यू टू माय डियर फ्रेंड। बरेल रेंज जो कि मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स और गारी खासी जनतिया के बीच में आती है, ठीक है। मणिपुर इज द राइट आंसर। लोकटाक लेक, वेरी फेमस, इंडियाज लार्जेस्ट लेक जो है आपकी, वो लोकटाक इन द मणिपुर। अर्लियर अ पैसेंजर ट्रेन फ्रॉम सिल्चर इन असम रीच द बोंगाई चिंगपाओ रेलवे स्टेशन इन मणिपुर। दिस इज द पार्ट ऑफ 1 किलोमीटर जिरीबम इम्फाल। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। वयम रक्षमा और वी प्रोटेक्ट इज द थीम ऑफ विच आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया? वयम रक्षमा और वी प्रोटेक्ट, इनमें से किस आर्म्ड फोर्सेस का मोटो है, ठीक है, या थीम है? इंडियन कोस्ट गार्ड, इन ITBP, असम सेंटिनल्स या फिर BSF? राइट आंसर इज इंडियन कोस्ट गार्ड। और ये क्यों हम इस क्वेश्चन क्यों है, 46th राइजिंग डे है February 1, 2022 में, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड का है। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड इन द वर्ल्ड विद द मोटो वायम रक्षमा और वी प्रोटेक्ट, ठीक है। 1978 में इंडियन कोस्ट गार्ड वर्ड इन वॉज इनोग्रेटेड विद 7 सर्फेस प्लेटफॉर्म इन 1978। चलिए आगे चलिए। सेकेंड COVID-19 वैक्सीन टू रिसीव फुल अप्रूवल फ्रॉम द FDA आफ्टर फाइजर्स COVID-19 वैक्सीन कोमिर्नाटी अमेरिका की सेकेंड वैक्सीन इज योर स्पाइक वैक्स, फर्स्ट वन इज कोमिर्नाटी। चले जब ये इंडिया में आनी थी बाहर की वैक्सीन, ये मॉडर्ना एंड जॉनसन एंड जॉनसन की, तो इनको कहा कि इंडेमनिटी किसकी रहेगी अगर कुछ हो जाता है किसी को, वैक्सीन जिसको ली जाती है, जो वैक्सीन लेगा, अगर आपकी वॉलंटरी है कि कौन किस कौन सी वैक्सीन लेगा, ये तो आपके ऊपर चॉइस है। तो अगर US की कोई वैक्सीन कोई बंदा लेगा और उसको रिएक्शन करती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो इंडेमनिटी किसकी रहेगी? वैसे वह हाथ खड़े कर लिए थे इन्होंने।
विच यूनाइटेड स्टेट रिसेंटली अनाउंस विच कंट्री एज इट्स मेजर नॉन नेटो अलाय? यूनाइटेड स्टेट ने अभी रिसेंटली किस कंट्री को मेजर नॉन नाटो अलाय अनाउंस किया है या अप्रूव किया है? क्वेश्चन नंबर 8 और 9 रिपीट कर दूं, आप लोगों ने सुना नहीं था क्या था, मतलब वो चल रहा था, बफर चल रहा था, कोई बात नहीं। वायम रक्षमा किस आर्म्ड फोर्सेस का थीम है? ये है बच्चे इंडियन कोस्ट गार्ड का, और इंडियन कोस्ट गार्ड का 46th राइजिंग डे होता है 1 फरवरी को, जो कि 2022 में 46th था ये, और 1978 में इसको बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइक वैक्स किस, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है स्पाइक वैक्स, जो कि सेकंड मेडिसिन रहेगी, सेकंड वैक्सीन रहेगी यूएस की आफ्टर द वैक्सीन ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन्स, नहीं फाइजर की, कोमिरनेटी। तो स्पाइकवैक इज द राइट आंसर, जो स्पाइकवैक है वो मोडर्ना की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड स्टेट ने भी रिसेंटली नॉन नाटो अलाय किसको अनाउंस किया है? नॉन नाटो, नाटो का मतलब है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक कंट्री के ऊपर हमला होगा तो सारी कंट्रीज उसको मिल करके जवाब देगी, जैसे अफगानिस्तान ने अमेरिका पे किया था, सारी अफगानिस्तान पहुंच गई थी लड़ने उससे। तो नॉन नाटो का मतलब है कि नाटो का मेंबर नहीं है, मतलब अटलांटिक ओशन के अंदर उसकी उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मेजर अलाय बन गया है वो नाटो का, ठीक है। तो यह आंसर है कतार, या कतार ही बोलता हूँ मैं, ठीक है, कतर भी कहते हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन डेजिग्नेटेड कतार या कतर एज मेजर नॉन नाटो अलाय ड्यूरिंग अ मीटिंग विद रूलिंग लीडर ऑफ द कतर, छोड़ दीजिए इसको, बस कतर इज द राइट आंसर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्वतमाला स्कीम अनाउंस्ड रिसेंटली? पर्वतमाला जैसे भारतमाला है, जैसे सागरमाला है, वैसे ही पर्वतमाला है। भारतमाला क्या है? कनेक्टिविटी ऑफ इंडियन रोड्स एंड रेलवे विद द मेजर पोर्ट्स, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की तरह, क्वाड्रिलेटरल जो आपका कॉरिडोर है वो भारत। सागरमाला क्या है? कनेक्टिविटी ऑफ पोर्ट्स या एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट या मॉडर्नाइजेशन ऑफ मेजर पोर्ट्स। सेम वैसे ही पर्वतमाला क्या है? कनेक्टिविटी इन द माउंटेन रीजन, सो ट्रांसपोर्टेशन इन हिल्स इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए स्वागत है आपका। सो ट्रांसपोर्टेशन इन हिल्स, ये इंडिया का भी रिसेंटली एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है पर्वतमाला, ठीक है जी। एंड पर्वतमाला एक बार देखिए, यूनियन बजट अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड पर्वतमाला और नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस स्कीम विल बी लॉन्च्ड फॉर रीजन्स लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जे एंड के एंड द नॉर्थ ईस्ट टू फैसिलिटेट अ मॉडर्न सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी इन हिल्स। रिसेंटली रोपवे से होते हुए जो केबल होता है ना, केबल कनेक्टिविटी, बिल्कुल उससे, ठीक है। आइए जी, ध्रुव जी गायब रहते हो आजकल आप। विच स्टेट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट सद्भावना टू इम्प्रूव गवर्नेंस? किस स्टेट का ये प्रोजेक्ट है सद्भावना? ये है बच्चे आपका असम का सद्भावना प्रोजेक्ट। देखते हैं सद्भावना में क्या है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा लॉन्च्ड प्रोजेक्ट सद्भावना, और रेड टेपिज्म के अगेंस्ट है, या रेड टेपिज्म खत्म करने के लिए। रेड टेपिज्म क्या होता है, अभी तो बहुत बहुत यंग है आप लोग, तो रेड टेपिज्म नहीं समझ पाएंगे। रेड टेपिज्म होता है बच्चे आपका डिले इन वर्क, आपकी कोई भी फाइल है वो बस रेड टेप मार के उसको बंद कर दी जाती है और वो सरकारी दफ्तर में पड़ी रहती है। तो रेड टेपिज्म को हटाने के लिए एंड फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए, मतलब कि आपका जो भी काम है उसको डिस्पोज करने के लिए, 4 लाख पेंडिंग फाइल्स जो है वो काम जल्दी से ख़त्म किया जाए, उसके लिए है ये आपका प्रोजेक्ट सद्भावना, ठीक है जी। चले, लेक एल्बर्ट इज लोकेटेड एज द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज? लेक एल्बर्ट बहुत फेमस है, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो,
अल्जीरिया, लीबिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, युगांडा, इथोपिया। राइट आंसर इज युगांडा। युगांडा आपके ईस्ट में पड़ेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वेस्ट में पड़ेगा। ठीक है जी, लव यू टू माय डियर फ्रेंड। आइए, तो क्या है, टू ऑयल जायंट्स फ्रांस का टोटल एंजर्नीज एंड द चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन साइन अ $10 मिलियन डील टू डेवलप युगांडा एनर्जी रिसोर्स एंड बिल्ट अ रीजनल ऑयल पाइपलाइन। एक पाइपलाइन सेट किया है, इट मींस रिफाइनरी और उसका ट्रांसपोर्टेशन युगांडा के अंदर, कहाँ पर, लेक एल्बर्ट के पास। ये एक प्रोजेक्ट है, किस किस का, फ्रांस और चाइना का ज्वाइंट है ये। इसको हम बोलेंगे ज्वाइंट ऑपरेशन तो नहीं, इसको हम बोलेंगे इसको हम बुलाएंगे ज्वाइंट वेंचर, जेवी है। ठीक है, द प्रोजेक्ट एम्स टू एक्सप्लॉइट द क्रूड ऑयल रिजर्व एट लेक एल्बर्ट, 160 किलोमीटर नेचुरल बॉर्डर बिटवीन युगांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में जो लेक एल्बर्ट है, वहाँ पर जो भी रिसोर्स है, इट मीन्स आपके पेट्रोलियम रिजर्व हैं, उसको यूज़ करने के लिए चाइना एंड फ्रांस का एक जेवी है इन युगांडा एंड डेमोक्रेटिक इन एट द युगांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गोज बॉर्डर। ठीक है जी, होहर सोनेनब्लिक, ये एक माउंटेन है इन दी होहे तोरेन नेशनल पार्क, इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये होहेर सोनेनब्लिक एक माउंटेन है, ये किस कंट्री के अंदर, ये है बच्चे आपका ऑस्ट्रिया के अंदर। A new study has been done at an altitude of 3106 meters at the top of the mountain Hohenzollernberg, जो कि एक नेशनल पार्क के अंदर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसका आगे नाम है होहे तोरेन। और a study is investigating the amount of plastic trickling down on us from the atmosphere. According to the study, 30% of nanoplastic पार्टिकल्स मेजर्ड ऑन द माउंटेन टॉप ओरिजिनेट फ्रॉम द रेडियस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम सिटीज। अराउंड 10% ऑफ द पार्टिकल्स मेजर्ड इन द स्टडी वर ब्लोन इनटू द माउंटेन बाय विंड एंड वेदर ओवर 200 किलोमीटर। तो अगर डिस्पोज ऑफ नहीं किया है तो प्लास्टिक कैसे एक जगह से दूसरी जगह गया है। अब वहाँ पर आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ विंड्स चलती है, जैसे कि हर्मटान है, नहीं नॉट हर्मटान, मिस्ट्राल है, एक और फेमस विंड है वहाँ पर उस तरफ को, जैसे कि मिस्ट्राल विंड है। तो ये विंड प्लास्टिक को कैसे एक्यूमुलेट कर रही है माउंटेन एरियाज के अंदर, ठीक है, जो कि काफ़ी फिर दिक्कत हो रही है क्योंकि नेचुरल हैबिटेट खराब होता है ना वहाँ पर, राइट। चलें, विच न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज, पहले प्लास्टिक बनाओ, पहले सिंथेटिक बनाओ और फिर बाद में सोचते रहो कि उसका हमारे सोसाइटी के ऊपर या एटमोसफेयर के ऊपर क्या असर हो रहा है, तो उसको बनाए ही होता। हाँ जी, चलिए, विच न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज हैज बीन नेम्ड आफ्टर द पेंडेमिक एज हम्बर्टियम कोविडियम। न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज हैव बीन नेम्ड आफ्टर द पेंडेमिक एज हम्बर्टियम कोविडियम। द राइट आंसर इज फ्लैट वर्म। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एन एलियन हैमर हेड फ्लैट वर्म स्पीस डेट लुक्स लाइक अ मिनिएचर किंग कोबरा। ओह भाई साहब, द रिसर्चर्स फाउंड द क्रिएचर हंटिंग स्नेल्स एंड इन फ्रांस एंड इटली। कार्निवोरस है, एक कीड़ा है, एक वॉर्म है जो कि मिनी कोबरा की तरह है। चले जी, आगे चलते हैं। एज पर यूनियन बजट 2022-23 व्हाट इज द न्यू ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT कितना है, 15%। यूनियन बजट हैज रिड्यूस द ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स टू बी पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू 15%। 15% उसको रिड्यूस कर दिया। एट प्रेजेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रिक्वायर्ड टू पे AMT एट द रेट ऑफ 18.5% व्हाइल कंपनीज पे द सेम एट 15%। द बजट प्रपोज टू रिड्यूस द सरचार्ज फ्रॉम 12% टू 7%। इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका ऑल्टरनेट
मिनिमम टैक्स, और फिर बजट के ऊपर मैं एक स्पेशल सीरीज लेकर के आऊँगा या क्लास लूँगा, तो उसके अंदर मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। राइट, चले जी। खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ न्यू रामसार साइट लोकेटेड इन विच स्टेट। ये खिजादिया, ये किस स्टेट के अंदर खिजा दिया? ये है बच्चे गुजरात के अंदर। ये एक नई रामसार साइट है। रामसार साइट का क्या मतलब है कि एक वेटलैंड है जिसको कंजर्वेशन प्रोसेस के अंदर डाला गया है। रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको कंजर्वेशन के अंदर डाला गया है। ठीक है जी। टू न्यू रामसार साइट्स वर अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे। खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश। चले जी, ठीक है। एक खिजादिया और एक बखीरा, जबरदस्त है। दो न्यू रामसार साइट्स हैं ये, ठीक है। इंडिया हैज अ नेटवर्क ऑफ 49 सच सिटीज कवरिंग 10,93,636 हेक्टेयर विच इज द हाईएस्ट इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है ये। द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज अर्लियर नोटिफाइड दैट सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन झज्जर एज रामसार साइट्स इन हरियाणा। 49 हो गए टोटल, हरियाणा में भी दो है, झज्जर में एक, गुजरात में एक, यूपी में है। ठीक है, चल। सुपर हॉर्नेट इज अ फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड एट विच कंट्री। भैया देखिए, एक सुपर हॉर्नेट के बीच में था कंपटीशन और एक था रफेल के बीच में, हमने रफेल ले लिया। सुपर हॉर्नेट नहीं लिया, सुपर हॉर्नेट यूएस से बनाता है। ठीक है जी। तो अभी रिसेंटली सुपर हॉर्नेट की याद क्यों आई अपने को, क्योंकि हमने ना मरीन वर्जन इसका रफेल का इसके कुछ ट्रायल्स किए हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब अपने पास आ रहा है कौन, एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। ठीक है, उसके ऊपर मरीन वर्जन रफेल के आएंगे, उसी के साथ साथ तेजस MK2 भी होगा। सुखोई उसके ऊपर नहीं होगा क्योंकि काफ़ी हैवी है, बल्कि है। ठीक है, और MiG-29 नन। चल, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। एक कमीशन है जिसका नाम है राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, RRAG। राग नहीं, राग नहीं, राग, RRAG। ठीक है जी। ओके बच्चे, करंट अफेयर जितना पढ़ उतना कम क्यों लगता है? ऐसे ही है, फिर पढ़ना तो पड़ता है। ठीक है जी। तो राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, उसने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है जिसका नाम है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। एज पर द रिपोर्ट एटलीस्ट 6 जर्नलिस्ट बींग किल्ड, मैनी मोर फिजिकली असोल्टेड एंड मीडिया हाउसेज बींग टारगेटेड। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज वेयर जर्नलिस्ट एंड मीडिया हाउसेज वर टारगेटेड इन 2021। चले जी। एक सॉन्ग, सॉन्ग तो नहीं हो पाएगा। 99 मिलियन ईयर्स ओल्ड फ्लावर हैव बीन डिस्कवर्ड इन प्रोटेक्टेड स्टेट इन विच कंट्री। ओ भाई साहब, 99 मिलियन ईयर ओल्ड फ्लावर, सॉन्ग जाते हुए सुन सकते हैं। ठीक है, अब सॉन्ग में भी क्या मैं आपको सुनाऊं, जैसे चित्रा सिंह जी की गज़ल, मुझे चित्रा सिंह बहुत पसंद है, मैं उन्हीं की गज़ल सुनता हूँ। जगजीत सिंह सेकंड नंबर पे आते हैं, पहले चित्रा सिंह आते हैं। ठीक है, तो
जैसे एक गज़ल है उनकी और वो कहते हैं उसके अंदर, एक वादा करो हमसे कि हमसे ना बिछड़ोगे कभी, एक वादा करो हमसे कि हमसे ना बिछड़ोगे कभी, हम खुदा तुमको बना लेंगे तुम आओ तो सही। मतलब ऐसी गज़ल है, मैं वही सुनता रहता हूँ, आपको समझ शायद नहीं आई हो ये तो किसी दिन मैं इसको गा करके सुनाऊंगा पूरी गज़ल जब अपने पास खूब टाइम होगा। चलिए, 99 million year old फ्लावर, ये इंडिया में या म्यांमार में या श्रीलंका में या USA में डिस्कवर किया गया है, ये म्यांमार में डिस्कवर किया गया है। एंड अब यहाँ पर मैं इनके नाम तो नहीं आपको बताऊंगा, दे हैव बीन फाउंड इन द क्रिटाशियस एम्बर फ्रॉम द अमकातियन। म्यांमार से डिस्कवर किया है, इतना आप ये याद करिए, ठीक है जी। Who has been appointed as the second full-time chairperson of the Insolvency and Bankruptcy Board of India? Insolvency and Bankruptcy Board of India, IBBI, और इसी के साथ साथ होता है आपका National Law, National Company Law Tribunal, National Company Law Tribunal, Tribunal, ये तो tribunals है, it means ये आपके कोर्ट्स हैं जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के ऊपर सजा देते हैं या ट्रायल्स जहां पर चलते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये किस मैटर्स के ऊपर इंसॉल्वेंसी हुई है, किसने इंसॉल्वेंसी के चलते या बैंकरप्सी जिसका हुआ है या फिर वो देश छोड़कर चला गया ऐसे में पैसे ले करके, बैंक से लोन ले करके, और उसका एक बोर्ड है, ठीक है। ये आपका कोर्ट है, इसके ये लॉ है, ठीक है, ये डिसाइड करता है कि क्या लॉ होगा बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी के ऊपर, ठीक है। तो रवि मित्तल इज द राइट आंसर, रवि मित्तल इज द फुल टाइम चेयरपर्सन ऑफ IBBI। IBBI रिसेंटली बनाया गया, एक बोर्ड बनाया गया है जो लुक आफ्टर करता है कि इंसॉल्वेंसी के चलते या बैंकरप्सी के चलते कौन देश छोड़ करके भाग गया और फिर पैसा ले गया है बैंक से लोन ले करके, ठीक है। क्या फैक्टर्स रहे उसकी कंपनी जो बैंकरप्ट हो गई है, क्या फैक्टर रहे जिसकी वजह से वो पैसे पे ऑफ नहीं कर पाए हैं, रिटर्न नहीं कर पाए हैं मनी। साथ ही साथ फिर NCLT के अंदर उनको लाया जाता है और फिर ट्रायल्स चलाए जाते हैं, ठीक है जी। चले, गॉट इट। चल, त्रिपुरा इनोग्रेटेड दी कमलपुर कुर्मा घाट बॉर्डर हार्ट अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो एक बॉर्डर हार्ट बनाया गया है कमलपुर एंड कुर्मा घाट, किस, अब त्रिपुरा है तो भैया त्रिपुरा का जो बॉर्डर है, बट ऑब्वियस सा क्वेश्चन था ये, वो तो बांग्लादेश के साथ लगता है, म्यांमार के साथ लगता ही नहीं है, तो त्रिपुरा का सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही लगता है। तो कमलपुर कुर्मा घाट त्रिपुरा ने इनोग्रेट किया है बांग्लादेश बॉर्डर पर, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर के, ठीक है। ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग स्पेसिस है ये दो कंट्रीज के बीच में, जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के ऊपर लोग अपना सामान बेच वगैरह सकते हैं, वहाँ पर शोकेस कर सकते हैं, ठीक है जी। चले, हु इज द ओनली कंटेस्टेंट फ्रॉम इंडिया इन द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022। इंडिया की तरफ से ओनली कंटेस्टेंट कौन होगा विंटर ओलंपिक्स के लिए बीजिंग में? आरिफ खान, नीरज चोपड़ा, शिवा केशवन, जगदीश सिंह। तो आंसर है आरिफ खान। आरिफ खान नाम बहुत सुना सुना लग रहा है, आरिफ खान। कोई बात नहीं, आरिफ खान हु विल बी कंपीटिंग इन द सेकंड
स्लैलोम एंड जायंट स्लैलोम इवेंट इन द ओनली इज द ओनली कंटेस्टेंट. बच्चे मुझे ना स्लैलोम एक बार देखना पड़ेगा. ठीक है ठीक है. आरिफ खान इज द राइट आंसर. किस फील्ड के साथ या किस स्पोर्ट के साथ ये एसोसिएटेड है? मैं देख लूँ एक सेकंड. नहीं नहीं कोई मैगजीन वगैरह कुछ नहीं पढ़ना. एक मिनट दीजिए मुझे, एक इम्पोर्टेंट मेल आया है. बस एक मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. चलिए बढ़िया है. स्लैलोम स्कीइंग को कहते हैं. स्कीइंग, आइस स्कीइंग जो होती है उसको स्लैलोम कहा जाता है. हाँ जी श्रीजन जी बहुत बढ़िया. ठीक है तो आरिफ खान जो है वो स्कीइंग रिप्रेजेंट करेंगे, ओनली कंटेस्टेंट फ्रॉम इंडिया इन द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स. द रिसेंटली डिस्कवर्ड स्कोम्बरोइडिस पेलागिकस लोकली नोन एज पोलावाटा बिलोंग टू विच स्पीसीज. ये एक फिश है जिसको पोलावट्टा कहा जाता है. सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज आइडेंटिफाई अ न्यू करेंगिट स्पीसीज बिलोंग टू द क्वीन फिश ग्रुप. ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा. पोलावट्टा बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं. पोलावट्टा, वट इज अ पोलावट्टा, इज अ फिश, डैट्स इट. इससे ज़्यादा कुछ नहीं. ठीक है जी चल. पोलावट्टा इज अ फिश, डेट्स इट. 25 क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी द लेटेस्ट है. इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो अच्छा है. और जो आपके पास एमसीक्यूज आएंगे अब, इट मींस जो भी मॉक टेस्ट आएगा उसके अंदर सभी क्वेश्चंस होंगे. और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैं फेब्रवरी अगर कवर कर दूँ, फर्स्ट 10 मतलब पूरा फेब्रवरी कवर करूँगा, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक थर्ड वीक. तो अभी तो जैसे चल ही रहा है, सेकेंड वीक ही चल रहा है अभी तो सेकेंड वीक हो जाएगा कंप्लीट जल्दी. तो फिर आपको इसके भी एमसीक्यूज प्रोवाइड हो जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको एक रिवीजन मोड में ले जाऊंगा जल्दी से जल्दी. रिवीजन मोड के अंदर हम दो टॉपिक एक दिन में कवर करेंगे, ज्योग्राफी के ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी के भी, साथ ही साथ पॉलिटी के भी. 3-4 टॉपिक एक ही दिन में कवर कर लेंगे. और फिर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री रह जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री में फिर जल्दी से उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे. और मॉडर्न हिस्ट्री तो फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आपकी अच्छे से हो जाएगी. मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2-3 घंटे लगा दूं तो एक ही दिन में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो जाए. उसी के साथ साथ फिर मॉक टेस्ट का सीरीज़ चलेगी बच्चे, ठीक है. मॉक टेस्ट सीरीज़ मैं चलाऊँगा. ये मैं मोस्ट प्रोबली आपको मैं कह देता हूँ कि 2nd या 3rd मार्च को मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा. सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही हम लोग करेंगे. आप लोग फ़र्क देखेंगे अपने आप में भी और पूरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा. ठीक है जी. So hit the like button and please have faith team Arpit par. ठीक है मैं आपसे मिलूंगा कल. You guys take care. जय हिंद, जय भारत.